स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही अब कुलशिष्ट परिवार पर आने वाली है एक बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब आप देखने वाले हैं कि उन पर लगने वाला है 80 लाख की चोरी का इल्जाम। जी हाँ, और ये सब होगा उनके साथ काम करने वालों की वजह से। दरअसल यहाँ आप देखने वाले हैं कि गोलू चाचा जिस बैंक में काम करते हैं वहां वो तिजोरी को लॉक करना भूल जाएंगे और वही काम करने वाले दो लोग ये साजिश करेंगे और वो चुपके से तिजोरी खाली कर देंगे। जिसके बाद जब उनसे चाबी मांगी जाएगी, तिजोरी की तो उन्हें चाबी नहीं मिलेगी और जब वो तिजोरी चेक करेंगे तो उसमें से 80 लाख रुपए गायब होंगे और अब उन पर सारा इल्जाम आने वाला है, जिसकी वजह से रुकने वाली है गुनगुन और अनुभव की शादी। जी हाँ, इसी के साथ आप देखने वाले हैं कि इनकी शादी की जहाँ तैयारियां चल रही है, अनुभव अपने दोस्तों को शादी के कार्ड्स बांट रहा है। उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे ये जानने के बाद कि उसने किसी को भी उनकी शादी के बारे में नहीं बताया। और आकृति हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी जेलसी दिखाने वाली है कि वो कितना ज्यादा जेलस फील कर रही है इन सब से। वो गुनगुन के बारे में भी काफी कुछ कहते नजर आएगी, लेकिन हमेशा की तरह अनुभव को इस बार भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं अब आप देखेंगे कि बड़े पापा डॉक्टर साहब को फोन करेंगे और कहेंगे कि वो अनुभव और गुनगुन की शादी नहीं कर सकते, उनके परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। डॉक्टर साहब पूछेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई है, तो बड़े पापा ये कहते हुए नजर आएंगे कि वो उन्हें बात नहीं बता सकते। डॉक्टर रितेश बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि बड़े पापा की आंखों में आंसू होंगे। ऐसे में अब गुनगुन भी हैरान होगी कि आखिरकार ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है। वहीं अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब गुनगुन और उसके पापा को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे इस परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। कैसे होगी गुनगुन और अनुभव की शादी, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर कभी कभी इत्तेफाक से।